और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों के कल्याण के लिए ई श्रम पोर्टल नाम से पोर्टल शुरू किया है। ई श्रम के पंजीकरण करने वाले उम्मीदवारों को एक विशिष्ट पहचान संख्या UAN कार्ड मिलेगा। TNCNDUWE श्रम कार्ड ऑनलाइन पंजीकरण के जरिए UP, बिहार, MP और कर्नाटक के मध्य से उम्मीदवारों को भविष्य में नौकरी मिल सकती है। सरकार ने ई श्रम पोर्टल के तहत रजिस्ट्रेशन श्रमिकों के अकाउंट में 1,000 रुपए ट्रांसफर कर रही है। योजना के प्रथम चरण में 1.5 करोड़ श्रमिकों के खाते में 1,000 रुपए भेजे गए थे। अब जल्द ही योजना की दूसरी किस्त आने वाली है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार योजना के दूसरे चरण में यूपी सरकार 2.5 करोड़ और लोगों के अकाउंट में 1,000 रुपए जल्द ही भेज सकती है। हालांकि इस बीच आपके अकाउंट में पैसे पहुंचे हैं या नहीं, इसकी जानकारी आप ऑनलाइन UPI या बैंक के माध्यम से कर सकते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों का डेटा एकत्रित करने के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है और नई नीतियां शुरू करने, भविष्य में अधिक नौकरियां पैदा करने और श्रमिकों के लिए नई योजनाएं शुरू करने के लिए NDUW डेटाबेस का उपयोग किया जाएगा। आप ई श्रम पोर्टल 2021 की आधिकारिक वेबसाइट, आप ई श्रम कार्ड के बारे में ज्यादातर जानकारी आप हमारे चैनल के माध्यम से पा सकते हैं। ऐसे में हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में कामगारों की जानकारी एकत्रित करना और सभी मजदूरों के डेटाबेस को एक स्थान पर एकत्रित कर इस पोर्टल के अंतर्गत आने वाले श्रमिक जैसे निर्माण श्रमिक, प्रवासिक श्रमिक, प्लेटफॉर्म कलाकार, पटवारी वाले, घरेलू कामगार, कृषि कामगार और अन्य संगठित कामगार, ऐसे लोग जिन्हें किसी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, देश भर में क्या योजनाएं आए और क्या इस ई श्रम कार्ड के जरिए जाना जा सकता है। तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ। दोस्तों आने वाले वक्त में आप ई श्रम कार्ड के माध्यम से घर बैठे नौकरी पा सकते हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा ई श्रम कार्ड बनवाने का सबसे पहला मकसद ये था कि देश में कितने गरीब मजदूर किसान भाई हैं जो कि आज तक बेरोजगार हैं या फिर उनके पास किसी और अन्य योजना का लाभ नहीं पहुंच पाता है। दोस्तों कमेंट में अपने राज्य का नाम मेंशन जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले वक्त में आपको ई श्रम कार्ड से जुड़ी हर अन्य अपडेट जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश की जाए। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।